बागेश्वर में प्रभारी राज्य मंत्री रेखा आर्या ने बैठक कर खनिज फाउंडेशन न्यास योजना का अनुमोदन किया। बता दें कि इस दौरान बैठक में 2.10 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया गया। ये धनराशि सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि योजनाओं पर व्यय होगी। वहीं प्रभारी मंत्री ने बिना विधायकों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा किए योजनाओं के प्रस्ताव बैठक में रखने पर कड़ी नाराजगी जताई। जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की ओर से विभिन्न विभागों द्वारा करीब 3 करोड़ 12 लाख के प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से चर्चा के बाद केवल 2 करोड़ 10 लाख के प्रस्तावों पर मुहर लग पाई। खनन हो रहा है तो यदि खनन हो रहा है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र को विकास से भी जोड़ा जाना चाहिए। उसी संदर्भित जो प्रस्ताव विकास के आए हुए थे उन्हीं पर चर्चा थी। सम्मानित विधायकगणों ने भी अपनी बातें यहाँ पर रखी, उनके प्रस्ताव को भी जोड़ा गया है, चाहे वो पेयजल की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो या सिंचाई की हो, उन प्रस्ताव को लिया गया। आज लगभग 4.21 करोड़ के बजट में लगभग 3.21 करोड़ का बजट जो है आज पारित हुआ है। शेष जो बजट है उस पर भी फिर से प्रस्ताव आने हैं जो कि अगली बैठक में अनुमोदित किए जाएंगे। वहीं बैठक में प्रभारी मंत्री रेखा आर्या के समक्ष खनन प्रभावित गांव क्षेत्रों में सुविधाओं के लिए 3.2 करोड़ रुपए के प्रस्तावों में 2.10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें लघु सिंचाई के लिए 29.44 लाख, सिंचाई विभाग 51.99 लाख, पेयजल निगम के 40.8 लाख, जल संस्थान के 62.79 लाख, चिकित्सा 25.42 लाख को मंजूरी दी। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कांडा, कपकोट और बागेश्वर को 3 एम्बुलेंसों की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं बैठक में लगातार आपत्तियों पर प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने शिक्षा विभाग के 15 प्रस्तावों को खारिज करते हुए दोबारा प्रस्ताव रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं को बनाते समय जनप्रतिनिधियों से जरूरी चर्चा कर लें। बैठक में जिला अधिकारी रंजना राजगुरु ने भी आवंटित धनराशि के सदुपयोग करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। खनन न्यास में जहाँ जहाँ पर भी अगर हमारा क्षेत्र है तो उन क्षेत्रों में कहीं न कहीं, आज मैंने केदारेश्वर मैदान का मुद्दा आपके सामने रखा, वहाँ पर रिवर ट्रेडिंग के माध्यम से ज्यादा, जो कि प्रभारी मंत्री जी को भी गलत सूचना दी गई कि खनन न्यास में खनन जो ये होता है रेता बजरी का, रिवर ट्रेडिंग का, उसमें नहीं होता, लेकिन जबकि वास्तविकता ये थी, मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बावजूद आज 2 साल 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, अभी तक का उसमें केदारेश्वर मैदान के बचाव के लिए ना स्थानीय विधायक उसमें इंटरेस्टेड है। तो मेरी पिछली बैठक में भी मैंने ये प्रश्न को उठाया था, इस बैठक में भी इस प्रश्न को उठाया है। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने केदारेश्वर मैदान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मैदान में सैकड़ों खिलाड़ी खेलने आते हैं, साथ ही कहा कि सरयू नदी में खनन से नदी को भारी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए अभी तक कुछ भी नहीं हो सका। वहीं प्रभारी मंत्री और जिला अधिकारी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत समाज को जागरूक करने की दिशा में हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की गई, जिसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।